हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने प्लस टू क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ, उसके अंदर हमें कुछ अकाउंट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें से एक का नाम है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, और एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसके विषय में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या मतलब होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और क्या मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक की तरह होता है, पर अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में भी सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखते हैं, इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी इनकम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और इसके अंदर क्या होता है, जो करंट ईयर है, ठीक है ना, तो इसमें यही बताया जाएगा कि भाई जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं खर्चे वही लिखे जाएंगे, कोई चीज़ में क्या चेंज आया, क्या जो एडजस्टमेंट है वो भी इसके अंदर की जाएगी, कुछ ऐड करना कुछ लेस करना वो भी इसमें होगा। उसके साथ साथ जो इसका बैलेंस निकलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसके अगर वो हमारा बैलेंस सरप्लस भी निकल सकता है और डिफिसिट भी निकल सकता है। सरप्लस का मतलब होता है कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो, उस कंडीशन को बोलते हैं सरप्लस, या पूरा नाम सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट जब निकलता है, जब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो उसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इस तरह से इनको बोलते हैं। और इसके अंदर जो नियम लागू होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि जो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो डेबिट साइड में, और इनकम एंड गेंस वो क्रेडिट साइड में, ये नियम लागू होता है इसके अंदर। तो इस तरह से इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। अब हम लेके चलते हैं इसके फीचर्स पे। तो सबसे पहली फीचर्स है जो इसकी विशेषता है वो है खाते की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट मतलब इसमें नॉमिनल अकाउंट लागू होता है। नियम का नाम बता दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, डेट्स ऑल। फिर उसके बाद है इस खाते में लिखे जाने वाली मदें, भाई इस जो अकाउंट हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सी इसमें आइटम लिखे जाएंगे। इसमें ओनली रिवेन्यू टाइप आइटम लिखी जाएंगी, जो कैपिटलाइज आइटम है वो हमेशा बैलेंस शीट में जाती हैं, और जो रिवेन्यू टाइप आइटम है वो हमेशा आएगा, तो बोलते हैं हिंदी में रिवेन्यू को, तो रिवेन्यू टाइप जो भी आइटम होंगे वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है कि जैसे कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को ना लिखा जाना, तो इसके अंदर जो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है की तरह इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये सिंपल तरीके से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एक और इसकी फीचर्स है वो है एडजस्टमेंट के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है ना, समय के अनुसार क्या चीज़ इसमें ऐड करनी क्या लेस करनी। जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट होगी, प्रीपेड की होगी, एक्यूड की होगी, इस तरह से एडजस्टमेंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करनी होगी। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरह और कब कैसे करनी है। इसमें केवल चालू अवधि के आय व्यय लिखे जाते हैं, ये कहना चाह रहा है कि लास्ट ईयर की कोई एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट ईयर की कोई एडजस्टमेंट है, कोई इसमें नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ जो करंट ईयर की एडजस्टमेंट है, जिस साल ये बनाया जा रहा है उसी साल की मदों को इसमें लिखा जाएगा, और मदों को इसमें नहीं लिखा जाएगा, इस बात का भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल पर्पस, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है भाई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस अधिक होता है, तो मतलब अधिक के अथवा कमी को प्रकट करता है, मतलब सरप्लस और डिफिसिट को ये शो करेगा। वो कैसे शो करेगा वो आपको पता होना चाहिए, भाई डेबिट साइड ज़्यादा है, या जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो डिफिसिट निकलेगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी बैलेंस में तो सरप्लस निकलेगा, और इस सरप्लस को कैपिटल फंड में भी प्लस कर दिया जाएगा, और डिफिसिट निकलेगी तो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड में डिफिसिट को लेस कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड को लिखा जाता है जब हम एनपीओ बना रहे हैं, ध्यान रखना एनपीओ वाले चैप्टर में कैपिटल फंड लिखा जाता है ना कि कैपिटल अकाउंट। सिंपल जो हम अकाउंट बनाते थे वहाँ कैपिटल अकाउंट यूज़ करते थे ना वर्ड बैलेंस शीट में लिखते टाइम, यहाँ कैपिटल फंड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसकी फीचर्स समाप्त हुई, इस बात का आपको ध्यान रखना है कैसे क्या करना है। और अगर आपको फीचर्स क्लियर होती हैं, थ्योरी क्लियर होती है, तभी आप न्यूमेरिकल की पकड़ अपनी अच्छी बना पाएंगे और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी के साथ ये फीचर्स ख़त्म होती हैं। थैंक यू।